प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए लोगों को छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, बुखार होता है, खांसी होती है, जुखाम होता है। हमारी सरकारें बनने के पहले दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल तो बहुत थे, ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग है, LNJP है, GB पंत है, GTB है, बहुत सारे हैं। लेकिन छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी लोगों को बड़े बड़े अस्पतालों में दौड़ना पड़ता था और लंबी लंबी लाइनें होती हैं, वहां दवाइयां भी नहीं मिलती थी। अब पूरे दिल्ली के अंदर 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए गए हैं, तो अपने इलाके के अंदर लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पताल में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने ही मोहल्ले में जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक से दवाइयां लेते हैं, दवाइयां भी फ्री होती हैं, टेस्ट भी फ्री होते हैं, इलाज भी फ्री होता है। लेकिन हमने एक चीज देखी कि मोहल्ला क्लिनिक्स जो हैं, उनमें कई मोहल्ला क्लिनिक्स में जेंट्स डॉक्टर हैं और महिलाओं के जो रोग हैं, गायनी की जो समस्याएं हैं, वो बिल्कुल अलग होती हैं। उसमें महिलाएं जेंट्स को अपनी समस्याएं नहीं बता पाती, इसीलिए ये काफी समय से डिमांड थी कि महिलाओं के मोहल्ला क्लिनिक अलग होने चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि आज पूरे दिल्ली में 4 मोहल्ला क्लिनिक महिलाओं के लिए अलग से खोले जा रहे हैं। आने वाले समय में 100 मोहल्ला क्लिनिक, फर्स्ट फेज में 100 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और उसके बाद और कई मोहल्ला क्लिनिक महिलाओं के खोले जाएंगे। इनमें केवल महिलाएं और 12 साल से कम बच्चे, एक तरह से गायनी और पीडियाट्रिक्स, इन दोनों का इलाज होगा। तो महिलाओं से रिलेटेड जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, एडोलेसेंट बच्चे हैं, और भी महिलाओं की जो भी जो जो समस्याएं हैं, उनसे संबंधित जिस जिस किस्म के इलाज की जरूरत है, उन सारी सुविधाओं का यहां पे इंतजाम होगा। इस मोहल्ला क्लिनिक में सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी, तो महिलाएं महिलाएं से बात करके अपना आसानी से सारी समस्या बता सकती हैं। इसमें भी डॉक्टर का इलाज, डॉक्टर सब फ्री हैं, दवाइयां सारी फ्री हैं, टेस्ट भी सारे फ्री होंगे। जितने टेस्ट हम 239 टेस्ट नॉर्मली करते हैं एक मोहल्ला क्लिनिक में, वो तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा महिलाओं से रिलेटेड जो और एक्स्ट्रा टेस्ट हैं, वो भी यहां पे किए जाएंगे। तो इसके अलावा जो बच्चे हैं, 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनका भी इलाज यहां पे होगा। तो बच्चों का जो टीकाकरण है, वो बाकी जितने बच्चों की पीडियाट्रिक्स की, नवजात शिशु की भी और छोटे बच्चों की जितनी समस्याएं हैं, उनका सबका भी यहां पे इलाज किया जाएगा। तो मैं समझता हूं ये शायद देश में पहली बार इस किस्म का महिला मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है। जब से हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, बहुत सारे अन्य सरकारों से भी मुख्यमंत्री आए हैं, मंत्री आए हैं, अधिकारीगण आए हैं और कई राज्यों के अंदर इसकी देखा देखी मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में महिला मोहल्ला क्लिनिक भी पूरे देश में इसी तरह से फैलेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। आज 4 खोले गए हैं, कहाँ कहाँ हैं चारों, अभी डिटेल्स दे देंगे। आज 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं, 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं और दिल्ली में टोटल शायद 521 मोहल्ला क्लिनिक हो गए हैं, टोटल 521 हो गए हैं। कितने? 100 मोहल्ला क्लिनिक पहले चरण में होंगे, उसके बाद फिर और खोलेंगे। नहीं नहीं, इसमें सब कई प्राइवेट भी हैं। मोहल्ला क्लिनिक का हमारा मॉडल है कि हम पर पेशेंट के हिसाब से डॉक्टर को देते हैं, सो ये लोग सरकारी डॉक्टर्स हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थैंक यू।